Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. परमा आराध्य तम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्लोक प्रिय श्री महाराज की शरण कमल में साष्टांग प्रणिपात हुए उनके हृदय की कृपा इच्छा करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट परमा आराध्य तम पूज्यपाद भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात हुए क्या करता हूँ। पूज्यपाद नित्य लीला विष्णु भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज उनके चरण में साष्टांग प्रणिपात हुई उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। और सब हमारे गुरुवर्ग परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद हमारे ऊपर हेतु कृपा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज श्रीपाद राजबिहारी प्रभु तुरंत एक घंटा पहले और कुछ साधु संघ के बारे में कथा करने के लिए मुझे फोन किया। ये तो हमारा कथा ही हमारा प्राण है और क्या जगत में कुछ आनंद नहीं कथा ही आनंद है। भगवान भी अपने को बताया नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मदभक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान भी कथा में ही रहते हैं और देख उनके वैकुंठे में भी नहीं रहते हैं और किधर भी योग ज्ञान इत्यादि में नहीं रहते। भगवान के भक्ति में भी जहाँ पर कथा होता है वहां रहते ज्यादा। भक्ति तो अर्चन भी होता है स्मरण भी होता है और तीर्थ बहुत कुछ है लेकिन कथा का प्रभाव ऐसा ही है जो अंतःकरण में पवित्र करके भगवान वहां पर कर्णम द्वारा होके ही भगवान शरीर के अंदर जाते हैं और कोई द्वार नहीं है। भगवान भागवत में है लिखा है सुनंत स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणी विदुनोति सुहृद सता। सुनंत ये श्रवण द्वार इसी द्वार देख हो के ही भगवान अंतर को जाते हैं और जाके उधर भक्त लोग का परिष्कार कर देते हैं और वहां पर विराजमान करके निवास करते हैं। साधु नाम हृदय स्तु हम साधव हृदय मह्यम तो भगवान हृदय में रहते हैं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम हमारे वैष्णव वंदना में ऐसा है। ठीक है प्रभु जी साधु संग सदाचार के लिए कुछ आलोचना करने के लिए बताएं। हमारा शास्त्र में जो लिखा है साधु संग सर्वशास्त्रे कहो लभे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। साधु संग का बारे में भागवत में चैतन्य चरितामृत में और समस्त पुराण में भी बहुत कुछ लिखा है। एक मुहूर्त अर्थ निमित्त भी साधु संग क्षणार्थमपि एक क्षण के अर्थमपि इतना समय तक भी साधु संग करने से उसको तुलना करने से मुक्ति और स्वर्ग ये दोनों भी समान नहीं है इसे बताए। ये बंद कर साधु संघ का इतना प्रभाव लिखा है जीवन का लक्ष्य परिवर्तन हो जाता है बुद्धि परिवर्तन हो जाता है फिर बाद में शरणागत हो के भगवत धाम गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में उनकी सेवा प्राप्त करने के योग्यता लाभ करते हैं। इसलिए साधु संघ का प्रभाव संघ का प्रभाव एकादश स्कंद में उद्धव को भगवान बताया कि सुगोप्यमपि वदामि श्रुणुतम जदुनंदन यो जदुनंदन उद्धव अत्यंत गोप्य सुगोप्यम अपि अत्यंत गोप्य अभी तक मैं बताया नहीं। भगवत गीता में तो पहले बताया वो भी परम वच गुह्यतम वच लेकिन यहाँ पर एकादश स्कंद में बाद में
उद्धव भी सुगोप्यम अपि बदामि, अत्यंत गोपनीय मैं आपको बताता हूँ। रमे सुहृद सखा, भक्त सुहृद सखा, ये तीन विशेषण देके उद्धव को बताया। उसमें बताया जे संसार में जितना उपाय है सबसे सहज सरल मुझे प्राप्त करने के लिए प्रायण भक्ति योगे न सत्संगे न विनोद्धव नोपाय विद्यते संद्रं प्रायण ही सतामहम। नो उपाय विद्यते, अन्य कोन उपाय नहीं, अन्य कोन ऐसा उपाय नहीं है जो मुझे प्राप्त करने के लिए बिना भक्ति योग साधु संग, साधु संग में भक्ति योग करना है। साधु शब्द से कर्मियों के भी साधु, ज्ञानियों के भी साधु है, कर्मयोगियों के भी साधु है, तपस्वियों को भी साधु है, बहुत ऐसा साधु शब्द व्यवहार है। लेकिन यहाँ पर बताइए भक्ति सा भक्त साधु, भक्ति योगे न सतसंगे न, भक्ति योग साधु संगे दोनों को बताया। फिर चैतन्य चरितामृत में तो एक बार बताया कि जी कृष्ण भक्ति इनका मूल जन्म होता है साधु संग से, भक्तों का संग से। कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, ताते प्रेम हय तेहो मुख्य अंग, मुख्य अंग प्रेम प्राप्ति हुए हय। फिर भक्ति का जन्म का मूल होता है साधु संग, इसलिए प्रेम भी प्राप्त होता है साधु संग से और साधु संग से जन्म भी होता है। जन्म वृद्धि फल प्राप्ति ये समस्त सिद्ध साधु संगति होता है। जैसे साधु संघ का भी प्रभाव ऐसा हुआ, साधु संघ का प्रभाव जैसे बताया, ऐसे ही असाधु संघ का भी प्रभाव बताया। असत संघ का प्रभाव भी ऐसा होता है, सत्संग में जैसे परिवर्तन हो जाते हैं लोग, असत संग में भी परिवर्तन है। जैसे अजामिलों का उपाख्यान हम देखेंगे, वो तो पहले बड़े पुण्यात्मा थे, ब्राह्मण थे और संयमी थे और वेद शास्त्र ज्ञान भी उनका पास था। पिता माता कुल वधु को अपना कुल धर्म में रहकर सब कुछ करता था, लेकिन क्षणिक के लिए जो गए थे जंगल को, वहाँ जो वैश्यादासी को उनको देखा, एक उलग्न अवस्था एक अव्यवस्था में देखा। उससे ही भागवत में लिखा है अपना जितना ज्ञान था, बुद्धि था, संयम था, वो सबको अपना इच्छा से चेष्टा किया, लेकिन फिर वो अपने असंजत हो गया, अनकंट्रोल हो गया, फिर वो उनका 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 अधीन हो गया, फिर अपना धर्म छोड़ दिया, पति पत्नी पिता माता सबको छोड़ दिया, आचरण भी छोड़ दिया। बाद में कहते हैं कि सारा जीवन उनके साथ रहकर बाहर मृत्यु समय फिर जो कुछ ज्ञान ज्ञान सुकृति इत्यादि था उसमें अपना पुत्र का नाम नारायण का उच्चारण किया। बाद में फिर एक सेकंड मृत्यु समय में जो विष्णु दूत का संग हुआ वहां पर ही उनको फिर परिवर्तन हो गया। भागवत का लिखा है, बहुत लोग को प्रवचन में बहुत उनका ऋषि मुनियों का ये इतना उसको बोलते हैं, लेकिन भागवत ऐसा कुछ नहीं, प्रमाण को कुछ नहीं, लेकिन भागवत ने लिखा है जो क्षण मात्र संग हुआ विष्णु दूतों के साथ वहां पर ही उनको फिर समस्त स्मृति आ गया। उन लोग को चला जाने के बाद फिर वो बैठ के अपना पूर्व तथा को स्मरण किया, फिर मनुष्य जन्म मेरा क्या हो गया ऐसा सोचकर फिर छोड़ के वहां से हरिद्वार गया और हरिद्वार जाके उनको ध्यान करके विष्णु दूतों को ध्यान करके साधन करके फिर सारूप्य मुक्ति प्राप्त किया। शरीर मुक्त शरीर चतुर्था मूर्ति वहां ही परिवर्तन हो गया। फिर रथ आया, रथ से बैठकर वो गया, ये भागवत का प्रमाण है, सुखदेव गोस्वामी का उक्ति पुरातनी, ये को धर्म में नहीं है,
जब परीक्षित महाराज उनको पूछा क्या व्यवस्था है नरक से मुक्ति पाने के लिए, तो सुखदेव गोस्वामी पाप पुण्य का विचार करके ऋषि लोगों ने स्मृति स्मृति शास्त्र में बहुत लिखा बोल के उसको उसको बोलने के लिए इतना इच्छुक नहीं थे, लेकिन परीक्षित महाराज उसको बताया कि नहीं आप बोलिए। बोलने से ये पुरातन इतिहास एक सभा में अगस्त्य ऋषि से मैं सुना था, उनकी अजामिल का उपाख्यान उनको बताया। तो एक सेकंड मुहूर्त जो दर्शन हुआ एक असत संग से जैसे परिवर्तन हो गया, सत्संग से फिर वो भी परिवर्तन हो गया। इसलिए भागवत में चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में असत संग त्याग यही वैष्णव आचार स्त्री संगी एक साधु अवैष्णव ये महाप्रभु का मध्य लीला में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी शिक्षा देते वहां पर ही बताया जो आचार क्या है। आचरण करने के लिए दो बात बताए, एक स्त्री संगी और एक है कृष्ण अभक्त कृष्णाभक्त। स्त्री संग के लिए बताया नहीं, स्त्री संगी के लिए बताया। क्यों? यहाँ पर भाष्य में लिखा है, गोस्वामी का टीका में लिखा है, स्त्री पुरुषों का भगवान सृष्टि के लिए ये जगत के लिए तो अपना प्रकृति को लेके बनाया है, सारा पृथ्वी और अंतरिक्ष में अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति सब में राधा रानी लक्ष्मी सरस्वती गायत्री सावित्री सची इत्यादि समस्त मातृशक्ति और अपना पुरुष शक्ति प्रकृति सब वो आया है। वो अपने को लिए तो ऐसे ही धर्म में रहने के लिए वैवाहिक व्यवस्था करने की इच्छु है, उसमें भगवान भी जन्म होते हैं, भगवान भी पुत्र रूप से जन्म लेते हैं, जैसे कर्दम और देवहूति के कपिल भगवान जन्म हुआ तो भगवान कर्दम को भगवान अवतार होके उनको बोला कि तुम शादी करेंगे देवहूति के साथ, मनु का छोटा कन्या है उनके साथ शादी करें, मैं ही तुम्हारा पुत्र होके जन्म पुत्र हुआ, फिर रामचंद्र भी पुत्र हुआ, फिर भगवान कृष्ण भी संत गर्भस्थ थे, पिता के शरीर को प्रवेश किया, फिर माता के शरीर देवहूति को प्रवेश किया, वो अजोग जन्म जो तो अज और उनका जन्म नहीं है, लेकिन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया बताया अजो पिसन्नाभ्य आत्मा भूता नामी स्वरूपिसन परमात्मा परम ब्रह्म। भगवान भी ये जो लीला करने के लिए फिर उनको माता को स्वीकार करते हैं, और वामन अवतार में कश्यप देवहूति उनको जन्म मात्र रूप से ग्रहण किया, और भगवान का भक्त भी जैसे प्रहलाद महाराज भगवान खुद उनको जन्म होने के लिए ऐसे जन्म करने के लिए व्यवस्था है, लेकिन अपना अपना स्थान अपना अपना धर्म आश्रम जन्म का व्यवस्था व्यवस्था करके करने के लिए व्यवस्था किया है। गृहस्थल को अपने को स्त्रियों को अच्छा से अलंकृत होके सौंदर्य होके उसको रहने के लिए धर्म शास्त्र में लिखा है, भागवत में भी लिखा है, सौंदर्य होने के लिए गृहस्थ लोग को भी ऐसा ही बताया कि जो संतान के लिए विवाह करने के लिए उत्सव महोत्सव आनंद इसको करने के लिए है, लेकिन सन्यासी के लिए नहीं है, ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, ये उनके लिए विरुद्ध है, और ये आचरण गृहस्थ लोग के लिए विरुद्ध है। गृहस्थ में रहकर वो त्याग का माफी करने से वो धर्म का विरुद्ध हो जाता है, और अग्रह संसार सन्यासियों के जब करते हैं तो उसका विरुद्ध हो जाता है, इसीलिए कोई सिद्धि नहीं पाएंगे। वहां जो सिद्धि करने के लिए जो धर्म का व्यवस्था है उसको करना है, फिर इनका जो व्यवस्था है उनको पाने के लिए ये व्यवस्था करना है, लेकिन ये जब आचरण ठीक नहीं होगा तो वहां पर असत्संग होता है। इसीलिए जो संगी होता है आसक्त होते हैं स्त्रियों का शरीर उनका शरीर ऐसे ही इंद्रियों को मन को आकर्षण करते हैं,
स्वाभाविक है, इसका आकर्षण है। लेकिन जो भगवान को प्रति, भगवान के जो आसक्त होते हैं भगवान के ऊपर, ये लोग वो आसक्ति को छोड़ना चाहिए, धर्म को लेकर रहना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए। इसलिए भागवत में उद्धव को भगवान कृष्ण भी बताया, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्च अन्य प्रसंगत ज्योति संगाजस तथा तत्संगी संगत। जैसे तत्संगी संगत, इन लोगों का साथ संग करने से वो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे मन को परिवर्तन कर देंगे, धीरे धीरे परिवर्तन कर देंगे। जैसे स्त्रियों का पुरुषों का तो मिलन ही नहीं होता है, लेकिन उनका साथ जो रहते हैं उनका साथ रहने से धीरे धीरे वो दूसरे को परिवर्तन कर देंगे। इस संग प्रभाव से बुद्धि को परिवर्तन कर देंगे, मन को परिवर्तन कर देंगे। इसलिए उनको संग करने के लिए शास्त्र में मना किया है। यहाँ भी महाप्रभु ने बताया, स्त्री संगी एक असाधु, जो कामासक्त होके संग करने के लिए करते हैं उनका साथ संग नहीं करना, और कृष्ण का अभक्त जो है ये नहीं करना। वो जो संग करते हैं उनके लिए कपिल देवहूति भगवान के संवाद में द्वादश गुण, जो महान गुण होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, इसको बताया। सत्य शौच दया मौन बुद्धि ह्री श्री जस्य क्षमा सम दम भगश्च इति जाति जत संगात संखयम तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म साधुषु संगंग न कुब्जा छोचेषु जोषित क्रीड़ा मृगेशु च। ये बात, ये जो जोषित क्रीड़ा मृग बताया, जोषितों का हाथ में जो कंडे का मापी खेलते हैं, जो बोलते हैं सुनते हैं, जो कुछ करते हैं उनका लेके करते हैं, अपना विचार अपना धर्म अपना ज्ञान बुद्धि को खो जाते हैं, उनके लिए ये बताया कि क्रीड़ा मृग जैसे जो बोलेंगे वही करेंगे, और दुनिया में जितना ज्यादा कुछ करेंगे वो उनके द्वारा ही कराएंगे। इसलिए उन लोग का पास ये जो द्वादश गुण होता है, सत्य भी बोलेंगे नहीं, वो मिथ्या भी बोलेंगे, शौच रहेगा नहीं, मानसिक शौच शारीरिक शौच भी रहेगा नहीं, मौन, मौन भी एक लक्षण है वो भी रख नहीं सकतेंगे, सत्य शौच दया भी रहेगा नहीं, सत्य सहित दया मौन, बुद्धि, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगा, ख्री लज्जा भी रहेगा नहीं, बुद्धि ख्री श्री सौंदर्य शोभा जो वर्णना है श्री संपत्ति का वो भी नष्ट हो जाएगी, बुद्धि श्री जस्य, जस्य भी नष्ट हो गया, जस्य क्षमा गुण भी नष्ट हो जाएगा, सम दम भग, सम मन, मन का जो समान भाव सबका प्रति वो भी रहेगा नहीं, वैषम्य भाव निरपेक्ष नहीं हो सकता, वो सब समय एक पक्ष का होगा, निरपेक्ष नहीं होगा, सम दम इंद्रिय निग्रह ये भी नहीं पकड़ पाएंगे, भग जो ऐश्वर्य है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये बार द्वादश गुण महान गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वहां पर कपिल भगवान बताया कि जो साधन भजन करके संसार को जय करने के लिए जो दीक्षा लिया है और भजन करते हैं, उन लोगों को ये समस्त सदाचार पालन करना जरूरी है। इसलिए हमारे जो गोस्वामी लोग को जो आचरण करने के लिए सदाचार के लिए हरिभक्ति विलास भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ में जैसे लिखा है, हमारा मन का पवित्र, शरीर का पवित्र, वस्त्र भूषण स्थान पवित्र ये सब बताया है, इसको आचरण करना ही हमारा सबसे भक्ति का एडवांस करना है। और भगवान के एक 64 गुण में एक गुण है सुचिर बसी, जहाँ सूची होता है वहां पर भगवान बसी वहां पर विराजमान करते हैं, असूचि में भगवान विराजमान नहीं करते। इसलिए हमको ये संग को त्याग करना चाहिए। उनको मालूम होता नहीं जे क्या होता है, अपना शरीर अपना मन में कुछ होता है, उनको समझेंगे नहीं, क्यों मोहित हो जाते हैं। इसलिए संगंग ना कुर्जा,
इनका संग नहीं करना चाहिए, जो करेगा उसको भी वो उनका मन भी उनका विचार बुद्धि ऐसा भी हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनको त्याग करने के बोले। और कृष्ण अभक्त, भगवान कृष्ण के जो भक्त नहीं, ऐसे इन लोग का साथ संग करने से धीरे धीरे वो लोग क्या करेंगे, उनका जो विचार है, जो नास्तिक का विचार हो, कर्म ही ज्ञान ही योगी का विचार है, वो सब इनका ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, मन का ऊपर आशीर्वाद। मन का एक स्वभाव है, वो संग में जैसा संग ऐसा रंग, जैसा संग करते हैं वो ऐसा हो जाते हैं, हमको मालूम नहीं होगा। तो सुखमादि सुख स्वभाव है, वस्तु है, तो अंदर में वो तो अपना स्वतंत्र में मन घूमता है, तो मन क्या होगा, उनके साथ रहने से धीरे 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 उनका परिवर्तन हो जाएगा, और मालूम नहीं होगा कि मेरा ऐसा हो गया, बल्कि वो उसका ज्ञान भी नहीं होगा बुद्धि। इसलिए संघ का प्रभाव ऐसा है। एक एकादशी महात्म में है, काशी का, काशी जो बनारस में काशी के राजा थे, उनकी पत्नी विष्णु भक्ति परायण थी, और राजा थोड़ा दूसरे के साथ भी संग करते थे। तो उनका क्या हुआ, एक मायावादी के साथ, ये जो पाषंड मत वो सन्यासी थे, उनके साथ संग करने से उनका जब मृत्यु हुआ तो उनको एक कुत्ता का जन्म मिला। तो रानी को कुछ पता चले तो उनको फिर वो बोला कि मेरा पति का क्या गति हुआ, तो उसने सो देखा कि ऐसा गति क्यों हुआ उनका, नहीं जो पाषंडी मायावादी लोग का साथ जो संग किया उसका ऐसा गति हो। फिर बाद में उनको मुक्ति करने के लिए एकादशी व्रत करके उनको अर्पण करके उनको फिर मुक्ति कराए, कथा एकादशी महात्मा में लिखा है। तो इसी संग का प्रभाव ऐसा है। अतएव हम हमारे गुरुवर्ग जितना थे और जितना उन लोग का जो प्रचार मठ मंदिर बनाया है, लोग को करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए, अपने को सारा जीवन, सारा अपना श्वास रक्त उनको दान किया, लोग के उपकार के लिए हमारा लोड़िया मठ में इस शरीर का संबंध में कुछ हॉस्पिटल करो, कुछ स्कूल करो, कुछ ऐसा पुण्य कर्म करो, ऐसा कुछ दिया नहीं। उनका तो प्रभुपाद भक्तिधान ठाकुर का सीखा था कि आत्मा का कैसे मंगल होगा, ऐसे ही उनको सेवा करने के लिए भगवान का मंदिर करके भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण जाजन करने के लिए और प्रसाद पाने के लिए शौच पवित्र संयम होके गृहस्थ लोग, स्त्री हो, पुरुष हो, धनी गरीब जो कोई भी हो, अपने विचार करके भगवत भक्ति लाभ करने के लिए आप सारा जीवन आचरण करके हमारे लिए दिया है। इसलिए ऐसा शुद्ध परंपरा शिक्षा जहाँ पर सब कुछ है, और भागवत इतना ऐसा ग्रंथ प्रमाण मामलम कोई निरपेक्षता हो कि ये सब बात बताया है। ये जो बात हम आलोचना किया है, ये खुद कपिल भगवान अपने माता देवहूति को बोलते हैं और स्त्री पुरुष का बारे में, संघ का बारे में बताते हैं। ये कितना साधारण बात नहीं है, भगवान खुद बताते हैं जो अवतीर्ण हो के आया ये ज्ञान देने के लिए। इसलिए बताया कि उपजाति शनैर माया दोषित देव विनिर्मिता, ये भगवान का माया, दैवी माया भगवान खुद बनाया है संसार में, माया में उनको रखने के लिए। तो ये क्या कहते, सेवा करने के लिए धीरे धीरे आएंगे और उसको पकड़ेंगे। लिए वहां पर लिखा है कि तृणाच्छादित कूप, तृण जैसे आच्छादित, मालूम नहीं अंदर में कितना कुआं का गड्ढा है और बाहर में तो सो घास रहा है, उनको मालूम नहीं होता है, फिर बाद में जो अंदर गिर जाते हैं वो फिर आत्मानम मृत्यु, आत्मा का मृत्यु हो जाता है। इसलिए ये संग करने के लिए उनको बताया कि सबसे ये पावरफुल है। जैसे साधु संघ का प्रभाव भी है, इसे असत संघ का भी प्रभाव है, वो भी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, ज्ञान भी नष्ट कर देते हैं। इसे बहुत उपाख्यान है, एकादश स्कंद में भी एड़ो उपाख्यान उद्धव को बताया,
पूर्वज के साथ होने की उनका अवस्था क्या हुआ। इसलिए जो जैसी स्थान में रहते हैं उसी स्थान का मर्यादा, पवित्रता, महिमा, महानता उनको रक्षा करना चाहिए। इसलिए यही धर्म है। हम कोई लीडर होगा, कोई सन्यासी होंगे, कोई आचार्य होंगे, कोई कुछ होंगे, जो जिसका ऊपर लोग बहुत विश्वास करते हैं, जिसका ऊपर समर्पण करते हैं, अपना धन देते हैं, प्राण देते हैं, जब कुछ करते हैं, उन लोग तो दूसरे के लिए आदर्श होना चाहिए। वो दूसरे को शिक्षा देने के लिए अपने को ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे कि दूसरे लोग को भी उनको आदर्श का माफी, दर्पण का माफी वो देख के उनको फॉलो करेंगे, उनको शिक्षा करने। जज्जाचरति श्रेष्ठ तत्तद्यपि इतरो जना सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो लोग जो कुछ करते हैं दूसरे के लिए प्रमाण हो जाता है, फिर दूसरे लोग बोलेंगे वो तो करते हैं, बड़ा लोग कुछ करते हैं, हम भी करेंगे। इसलिए हमको उसको उनका जो महात्म है, गंभीरतम है, उनका जो मर्यादा है उसको रक्षा करना, पालन करना हमारा कर्तव्य है। नहीं करने से क्या होता है, बहुत लोग का हानि पहुंच जाते हैं, बहुत लोग का विश्वास टूट जाता है, बहुत लोग का भक्ति टूट जाता है। और हम श्रेष्ठ स्थान में रहकर कुछ नहीं करेंगे तो फिर जो फॉलो करते हैं, जो लोग आते हैं वो अंधा भाव से वो लोग भी ऐसा ही करेंगे और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारे गोस्वामी लोग को गुरु वर्ग ने जो कुछ दिया है, हम लोग को तो शिष्टाचार, सदाचार, आचरण, आचार्य संहिता, जो आचार हरिभक्ति विलास में स्मृति, सवैष्णव स्मृति जो संविधान बनाया है, उनको तो हम ऐसा ही देखना चाहिए और आचरण जितना हो सकता हम कर सकते हैं। विशेष भाव से जो प्रचार करते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, सन्यासी होते हैं, जिसको सब लोग मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनको बराबर करना हमारा धर्म है। कोई छोटा आदमी कोई पाप लोग को कुछ किया है उसका ऊपर कोई प्रभाव दूसरे लोग को नहीं लेता, लेकिन एक पवित्र अनुष्ठान और आचार जो यहाँ पर लोग आके अपने समर्पित भाव से परिवर्तन होते, हमको ऐसा आदर्श करना ही हमारा कर्तव्य है। और ये हमारा अपना मंगल भी है, गुरुवर्ग का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भी आशीर्वाद मिलेंगे। इसलिए बहुत कुछ चैतन्य चरितामृत में, भागवत में, पद्म पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि संघ का प्रभाव, साधु संघ और आचार बार में कुछ सब कुछ लिखा है। हम जो करते हैं स्नान, शौच, तिलक माला, हरिनाम, कीर्तन, प्रसाद, भोजन, ये जो सब तुनादपि सुनिच इत्यादि समस्त श्लोक महाप्रभु शिक्षा दिया है, इससे बढ़कर और आचरण का देवता लोक में भी नहीं है, ऋषि लोक में भी नहीं है, ये सबसे बड़ा सबश्रेष्ठ और आचरण है। और इसमें जब कुछ असत संग हमारा हो जाए तो फिर ये साधु संग अंतर में नष्ट हो जाते हैं, बाहर में रहने से भी ये धर्म ध्वजी हो जाता है। जो धर्म का ध्वजा लेकर अंदर में नष्ट करते हैं, ये कड़ी का आधन हो जाता है, तो कड़ी युग है। बहुत कुछ लोग हम देखते हैं सब अपना अपना विचार और बुद्धि, ज्ञान, शक्ति से भगवान हो जाते हैं, अवतार हो जाते हैं, कोटि कोटि लोग का विश्वास लेके, आत्मा को लेके, संपत्ति लेके, धन संपत्ति लेके साफ हो जाते हैं, लेकिन बाद में अभी कोई जेल में मरते हैं, कोई मर जाते हैं, ऐसा कहता है। इनके लोग के लिए, इन लोग के लिए तो यमलोक में, नरक में भी स्थान नहीं है, वो कहीं उनके लिए स्पेशल नरक लोक का, नरक लोक में स्पेशल डिपार्टमेंट खोलेंगे उनको लेके, क्यों जो सिस्टम है प्रायश्चित का, ये नरक में इन लोग को स्थान नहीं, क्यों इन लोग का विचार नहीं है, तो पाप से उन लोग का भगवान हो गया, जो उसको लिए क्या करेंगे, बोल जाते हैं, इन लोग को ठगाने करते हैं। इसलिए हम ऐसा कड़ी युग में ऐसा होता है, लेकिन हम उससे दूर करेंगे और आचरण करके सत्संग का महात्म बहुत कुछ लिखा है। हम सत्संग से ही तो ये सब कुछ हमको प्राप्त हुआ है। और
साधुओं का साथ अपराध करने से भी उनका भी प्रभाव ऐसा ही है जो नष्ट भी हो जाता है, भगवान का भजन करने से भी वो पवित्र नहीं होता है, मुक्ति नहीं होता है। इसलिए दुर्वासा और भगवान के जो उपाख्यान है अम्बरीश महाराज का, उसमें बताया खुद भगवान दुर्वासा एक आदर्श है, जो इतना बड़ा होने से भी गृहस्थ थे और राजा थे अम्बरीश के पास, कैसे बाद में आके शरणागत होकर उद्धार हुआ उस बात बताया है। और बहुत के कुछ उसमें लिखा है, हम साधन भजन कितना हरिनाम करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भजन करते हैं, उसका तो अलग है। उनका हमारा पास कुछ सिद्धांत आने के लिए, उनको माप करने के लिए कितना मेरा होता है, भजन होता है, भक्त होता है, उतना ही है। लेकिन हम आचरण जो करते हैं, वो जो संग होता है, उसको हम जागृत करेंगे। वो तो भगवान का हाथ में है, लेकिन हमारा हाथ में ये जो हमारा परिवेश, हमारा जो संग, हमारा जो साथ आचरण, ये तो हमारा पास है। हम उसको साधन में ठीक करेंगे, साधन के बाद जो कुछ है वो तो भगवान के पास है, उनकी कृपा के पास है, वो तो उनका ऊपर निर्भर करना चाहिए। लेकिन हमारा पास जो कुछ है उसको हम ठीक भाव से करना चाहिए। जो हमारा हाथ साधन का अंदर है, जो साधन का अंदर हमारा नहीं है, भगवान के कृपा ऊपर हम साधन जैसे करेंगे, कृपा भी जैसे होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। भगवान की कृपा सागर है, हम पात्र होने से वो कृपा जरूर हमारे पास आएंगे। इसलिए इसका महत्व कुछ है। प्रभु जी थोड़ा हम साधु संग सदाचार को मिले, मुझे पता है एक घंटा पहले में प्रिपेयर भी नहीं हुआ था, और दूसरा एंगेजमेंट था, फिर उसको बंद किया, बाद में जाऊंगा उड़ के, और प्रभु जी के साथ रहा, अच्छा हुआ। और हिंदी भाषा में कुछ कुछ भी हो सकता है, क्यों हमारा तो मातृभाषा नहीं है, और हम हिंदी भाषा में ज्यादा प्रवचन भी नहीं करते हैं, अंग्रेजी में ज्यादा करते हैं उधर जाके, तो कुछ भाषा का कुछ त्रुटि होगा तो मार्जन करेंगे सबको अनुमान करके। मैं अब यहाँ विश्राम लेता हूँ। वंशा गर्भतर कृपा पतिता नंग पावनी भूमि प्रभु जी सुनाई नहीं देता है आपका।